माता की जय। Home, please reassure, not to worry, be patient. Today the Honorable Prime Minister spoke to the Ukrainian President also and requested him to keep all Indians safe and secure, to provide safe passage to all your colleagues who are still there. The Russians have also promised to help evacuate all our Indian nationals. संतोष की बात है कि सुरक्षित आज हमारे 219 बच्चे भाई बहन साधारणतः सभी स्टूडेंट्स हैं, अधिकांश बेटियां हैं, वो सब सुरक्षित आई हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने मुझे विशेष मुंबई भेजा कि मैं इनका स्वागत करूं, इनकी देखरेख करूं। आपने देखा होगा सब अरेंजमेंट्स किए हुए हैं, इमिग्रेशन पे बहुत सरल तरीके से करके उनके बैग्स दे के उनको अपने गंतव्य स्थान पर भेजा जा रहा है। हमारे लिए तो इतनी संतुष्टि है कि ये पहला बैच अब पहुंचा है, दूसरा बैच भी जल्दी दिल्ली पहुंच जाएगा और अब ये लगातार निरंतर प्रयास रहेगा कि जल्द से जल्द सबको लौटाया जाए। जब तक सबके सब वापस नहीं आ जाते पूरी केंद्र सरकार तट पर रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्वयं इस पूरे कार्यक्रम को मॉनिटर कर रहे हैं, उस पर नियंत्रण रखे हुए हैं। डॉक्टर जयशंकर दिन रात उनके अधिकारियों के साथ संपर्क बनाए हुए हैं, विदेश के मंत्रियों के साथ संपर्क बनाए हुए हैं। हम प्रतिबद्ध हैं कि भारत का हर नागरिक सुरक्षित भारत वापस लौटे। एम्बेसी के बहुत ही एहसान मंद है जो क्रिटिकल सिचुएशन में इतनी आसानी से हमें वहाँ से निकाल कर इंडिया ले जा रही है। आई एम रियली हैप्पी द इंडियन एम्बेसी दे हैव हेल्प अस अ लॉट टू क्रॉस द बॉर्डर एंड इन सच अ सिचुएशन दे हैव हेल्प अस अ लॉट एंड होप फॉर द बेस्ट।